अगली खबर उज्जैन से आ रही है, जहां लसुड़िया देवसी में मृत्यु भोज के दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। हथियार चले दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। विवाद का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग लाठी डंडे से हमला करते नजर आ रहे हैं। थाना राघवी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लसुड़िया देवसी में बुधवार को संतोष पांड्या के परिवार में मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान खाना परोसने के दौरान जाट परिवार और राजपूत समाज के लोगों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हथियार निकल गए। गांव में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। राजपूत समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि एक हफ्ते पुराने विवाद को लेकर जाट समाज के लोगों ने हमला किया, जबकि इस विवाद में समझौता हो चुका था। राघवी थाना प्रभारी रोहित पटेल ने कहा कि जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। इस मामले में अभी प्राथमिक तौर पर क्रॉस प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। घायल गोपाल सिंह ने बताया कि बात 8 जनवरी को भोपाल में होने वाले जन आंदोलन के आमंत्रण के लिए राजपूत समाज ने 11 दिसंबर को गांव में रैली निकाली थी। उस दौरान जाट परिवार के लोगों ने रैली का विरोध कर विवाद किया था। हालांकि विवाद में समझौता हो गया था, लेकिन बुधवार को जाट परिवार के लोगों ने एकत्रित होकर लाठी डंडे और तलवार से हमला कर दिया। इससे राजपूत समाज के 6 लोग घायल हो गए। तो जाट समाज को ऐसा लगा कि हम उनको दबाने के लिए लड़के बुलाए हमने बाहर से, और हम जैसे लड़के सब जनसंपर्क करके चले गए। इनने एक दिन बाद प्लानिंग बनाई कि इनको मारेंगे अपन। दिनेश पंड्या के यहाँ पे कार्यक्रम था उनके पिताजी का घटिया में, तो कार्यक्रम में मेरे भाई की बड़े वाले की कुछ परोसने के का वो उसको लेके इनका थोड़ी बोलचाल हुई होगी, गाली गलौच हुई होगी, तो ये वहाँ से सारे जाट आ गए, वहाँ से चले गए, घर चले गए। और इनका घर रास्ते में पड़ता है गाँव से थोड़ा 1 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर इनने घेर के सब 60-70 जने इकट्ठे हो गए, और सब कोई तलवार लेके आ गया, किसी ने पत्थर इकट्ठे कर लिए, कोई पूरा वीडियो भी है मेरे पास, पूरा वीडियो बना लिया।